This show was brought to you by Sing Cardiology. Welcome to Late Night Wives with Shabir, brought to you by Sing Cardiology. वापस आ गया है आपका शबीर एक जबरदस्त शो लेके जिसका नाम है Late Night Wives. और हमारे इस शो के अंदर हम लेके आते हैं बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग पर्सनालिटीज को. तो आज की जो मेरी गेस्ट है ना, वो जितनी सुंदर है ना, उतना ही सुंदर गाती भी हैं. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस पायल मित्रा. पायल, वेलकम टू लेट नाइट वाइव्स. हाउ आर यू? थैंक यू. नमस्कार. आप जब से आए हो ना, बड़े पैनिक लग रहे हो. आप अब तो पैनिक नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं. अभी एकदम ठीक हूँ मैं. एकदम रिलैक्स हो, क्योंकि आपको देख के हम भी पैनिक हो रहे हैं. अच्छा पायल, इससे पहले कि आप और कुछ गड़बड़ कर दो, हम एक काम करते हैं, एक डीप ब्रेथ लेते हैं. डीप ब्रेथ लो मेरे साथ. हो गया सारा रिलैक्स? हो गया. बिल्कुल. अब स्टार्ट करते हैं हम आपकी. अच्छा पायल, मैं आपको एक बात बताता हूँ. हमने आपके बारे में काफी सारी चीजें जो सुनी थी, और आपका आपने हमें बताया भी था कि आप एक बहुत अच्छी सिंगर हो, आप परफॉर्मेंसेस देती हो, आपके कॉन्सर्ट्स होते हैं, आपके इवेंट्स होते हैं, उन सारी बातों पर हम आएंगे. लेकिन हम कुछ स्टार्ट करते हैं आपकी अर्ली डेज से. हाउ अबाउट दैट? आपके चाइल्डहुड से, आपकी स्कूलिंग डेज से, पेरेंट्स कैसे थे, आप पेरेंट्स के साथ कैसे थे, दोस्त कैसे, दोस्त कैसे बनाए आपने, शुरू करें वहां से. हाँ, अच्छा मैं थोड़ा सा आपके चाइल्डहुड के बारे में जानना चाहूंगा कि मुझे सबसे बताओ कि बचपन में आप शरारती थे? बहुत ज्यादा. अच्छा, बहुत ज्यादा. आजकल नहीं, नहीं ये वो नहीं है, आपने ये एकदम पुलिस स्टेशन में नहीं बैठे हो, जो हाँ. पूछा उतना आंसर दो, वैसा नहीं है, डिटेल में आप बोल सकते हो. हाँ, बहुत ज्यादा मैं मतलब नॉटी थी और परेशान भी सबको करती थी. हाँ जी. और स्कूल में भी बहुत मतलब फ्रेंडली थी, सारे दोस्तों के साथ में मिलना जुलना, मारा मारे भी करती थी. अच्छा, मारा मारे मतलब क्या? किसी को क्या मतलब, यानी कि बेंच उठा के मार दी, जूता मारा, क्या इस तरीके? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जस्ट वो फ्रेंडली जो वो होता है, ऐसा करती थी मैं. थोड़ा सा नॉटी थी मैं. नहीं तो मतलब यानी कि ये मारा मारी नॉटीनेस तो ये तो सब जिंदगी में चलता रहता है. वो तो कहते हैं ना कि जो स्मार्ट किड होता है ना, हाँ. जो बच्चे होते हैं वो शरारतें ना करें तो लोग पूछते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद हिम. तो ये लेकिन आपकी पढ़ाई की जो जर्नी साथ साथ में चल रही थी, तो आपका जो सिंगिंग का जो शौक था ये भी पनप रहा था साथ में? हाँ, वो तो बचपन से, क्योंकि मेरी माँ सिंगर थी, तो माँ जब स्कूल करती थी, स्कूल टीचर मतलब म्यूजिक टीचर थी, तो वो सिखाती थी, तो वो सब मैं बचपन से मतलब जब मैं गाना स्टार्ट किया तभी मेरा 4.5 years, तब से मैं हारमोनियम पकड़ी थी के गाना गाने के लिए शुरुआत की थी. तो आप इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेती हैं? हाँ, इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेती हूँ, हारमोनियम जिसको कहते हैं, वो बैठ के बजाया जाता है, तो वो सीखी थी मैं मम्मी के साथ में. काफ़ी काफ़ी गाने की मुझे नॉलेज मम्मी से मिली शुरुआत में, उसके बाद मैं सीखी हूँ अच्छे अच्छे गुरुजी के साथ में. मैं सीख के फिर म्यूजिक लाइन में आई हूँ. अच्छा, तो ये आपने अभी इंस्ट्रूमेंट की बात करी थी, तो ये भी बता दें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप बजा देते हैं, और आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप बजाते हो, हम कुछ आपसे बजवा ही लेते हैं यहाँ पे. मैं कीबोर्ड बजा सकती हूँ और हारमोनियम बजा सकती हूँ, दो ही चीज बजा सकती हूँ. अच्छा, क्या डिफरेंस है? लेकिन दोनों में ही बटन्स होते हैं. हाँ, तो एक पुराना फैशन. एक तो ऐसा है जो ब्लो के साथ में बजाया जाता है, एक हाथ से ब्लो करना पड़ता है, और हारमोनियम जो बोलते हैं तो उस इस हाथ से बजाया जाता है और एक हाथ से ब्लो किया जाता है. और कीबोर्ड तो आप तो जानते ही है, वो बटन के हिसाब से ही, दो हाथों से ही बजाया. अच्छा, दोनों ही बटन से आप बजा रहे हो, एक हारमोनियम है और एक गिटार. हारमोनियम से बटन नहीं है. नहीं, हारमोनियम में बटन क्यों नहीं होते ना? हारमोनियम में आप टेक्नोलॉजी का नहीं, हारमोनियम बहुत शुरू मतलब बहुत साल पुराने से आया. वो तो सही है, लेकिन इनमें कोई म्यूजिक कंपोजिशन जब आप करने बैठते हो तो आपको किसमें ज्यादा अच्छा लगता है, हारमोनियम में, ओल्ड फैशन वे या कीबोर्ड पे? ओल्ड फैशन ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से मैं हारमोनियम से ही गाना सीखी हूँ, और हारमोनियम बजा के मैं क्लासिकल भी सीखी हूँ. जो क्लासिकल में मेरा बेस जो भी है, मेरा चंडीगढ़ और इलाहाबाद से जो मैंने 5th year कंप्लीट किया था म्यूजिक में, तो 6th year भी मैं कंप्लीट किया, मास्टर डिग्री भी मैंने किया है, तो वो सब मैं हारमोनियम से ही की, हारमोनियम बजा के ही की. अच्छा, हारमोनियम बजा के तो बचपन से ही आपने? कीबोर्ड अभी अभी शुरू किया मैंने,
कीबोर्ड बजाना अभी अभी शुरू किया था मैंने. मुझे एक मतलब बोलते हैं ना, सीखने का भी बहुत शौक है. कुछ भी मतलब सीखना मुझे अच्छा लगता है. और सिंगिंग के बारे में ये सही है पायल, हमने सुना है कि सिंगिंग सीखने की कोई एज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, सिंगिंग एज तो कैसी, एक तो गॉड गिफ्टेड एक चीज होती है कि बचपन से आप गला लेके पैदा होते हो तो वे गलत चीज है. सुर अगर किसी में सुर है, आपके अंदर अगर सुर है तो आप गाओ ना. नहीं मेरे अंदर सुर नहीं है, मेरे अंदर सुरूर है. सुरूर ओके ना, तेरा सुरूर सर पे चढ़ गया अरे. तो मेरे अंदर सुर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है. अच्छा। मेरे खानदान में किसी ने गाना नहीं गाया. अच्छा। मैंने एक दफा कोशिश की थी, फिर मेरे डैड ने मुझे आगे बोला बेटा अपने ऊपर नहीं तो हमारे ऊपर ही रहम करो, हमारे भी कान है, माफ करो हमें. तो मैं इस लाइन में आ गया फिर एक्टिंग करने में, मतलब इनके होस्टिंग करना. अच्छा। मुझे नहीं बोलते कोई, मुझे बोलते गाओ, बंद मत करो, वो गाना बंद मत करो. अभी जब हम आपसे गाना गवाएंगे ना तो वो प्रूव हो जाएगा कि आपको कोई सिंगिंग से रोकता क्यों नहीं, क्योंकि आप गाते अच्छा हो ना. हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है सिंगिंग से. वैसे तो एक्टिंग से और होस्टिंग से भी किसी का कोई फैमिली में किसी का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है. ये तो मैं हूँ, पता नहीं कोई एक्सेप्शनल क्वालिटी लेके पैदा हो गया तो बोला कि चलो ये करते हैं. और सीरियसली मैं आपको बताऊं, मैंने कभी भी कोई एक्टिंग की इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ले ली, बचपन से ही था एक चीज. हाँ. अच्छा अभी कमिंग बैक टू यू, आपका बारे में जो एक फन फैक्ट है जो हमें पता चला कि बच्चे आपको बुक कर लेते थे बिकॉज आपकी बचपन से आवाज इतनी सुरीली थी, कहते थे कि तो लता है हमारी क्लास में, उसको हम बुक कर लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है. क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना तो स्कूल के हर क्लास होते थे, जैसे 4th, 5th, 6th जो भी क्लास में होते थे ना, सब लोग आते थे, आके मुझे बोलते थे आज हमारे क्लास में तुमको गाना है. ओहो. कल दूसरे लोग मुझे बुकिंग कर लेते हैं कि, और उनके बदले में मैं एक चीज मांगती थी. अच्छा, मैं इसी पे आ रहा था कि ये फ्री में काम, ये चैरिटी का काम चल रहा था, बिजनेस खोला हुआ था. मैं कुछ नहीं करती थी. हाँ जी. सब लोग आते थे, पूछते थे हमारे क्लास में तुम गाओगे जाके? मैं बोला हाँ गाऊंगी. तो गाना सुनाने के लिए मेरा लंच जो है वो लोग प्रोवाइड करते थे. क्या बात. हाँ, ये है कि सब टेबल पे रख देते थे, जो जिसको जो लाना होता था सब लोग ऐसे टेबल पे सजा देते थे, अब शुरू करो. पूरे आधे घंटा मुझे गवाही लेते थे. सही है. हाँ, कहीं खेलने भी जाऊँ ना मैं, वहां पे भी मुझे बोलते थे पहले एक गाना गा देना, एक गाना गा के फिर खेलते हैं हम लोग. सही है. तो ये मेरा पूरा रहता था. तो हर क्लास में जाती थी, हर दिन एक एक क्लास में जाती थी. तो टीचर लोग भी परेशान हो जाते थे कि ये गाने की आवाज कहाँ से आते थे. तो फिर टीचर एक दिन मुझे बुलाए, अच्छा तुम गाते हो, ओह ओके ठीक है, तो हमारे स्कूल के प्रोग्राम में तुम गाओगे. तो ऐसे करके करके गाना मेरा पूरा स्कूल डे से ही चालू था. यानी कि फिर आपको ऑफिशियल स्कूल का सिंगर बना दिया. यानी कि स्कूल में, कॉलेज में मैं हर जगह गाती थी. और ये टीचर्स को, प्रिंसिपल को जब बात पता चली कि आप जो है वो बदले में खाना मांग रहे हो, लंच मांग रहे हो, तो या जो आपका बिजनेस नहीं थी, मांगती नहीं थी, लेकिन वो लोग मैं मतलब प्रोवाइड कर देते थे कि हमारे तरफ से आज तुम्हारे लंच. ऐसा हो नहीं सकता पायल जी, आई डोंट बिलीव यू. क्योंकि ये आपने भी देखा, मैं कहता हूं ये वो कर देते थे क्योंकि वो पढ़ लेते होंगे ना कि बदले में क्या दें अभी हम ऑफर में. बदले में तो कुछ तो लूं, तब तो पैसे तो नहीं होता था. तो हर डिफरेंट डिफरेंट खाना मिल जाते थे. हाँ. डिफरेंट डिफरेंट खाना, मजेदार बातें, मजेदार गाना. तो सब लोग एंजॉय करते थे, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते थे, मैं भी बहुत एंजॉय करती थी. चले अच्छी बात है, इस बार एंजॉयमेंट चल रही है. फिर कॉलेज में आ गया, भाग क्यों गए कॉलेज से ये भी बताइए हमें. ये भी हमें किसी ने बताया आपके बारे में. कॉलेज से इसलिए भाग गई थी कि गाने का, जैसे बोले ना आप सुरूर में रहते हो और मैं जुनून में रहती थी. ओहो क्या बात है, सुरूर में और जुनून में. हाँ, ओहो. मेरा इतना मतलब पागल थी मैं म्यूजिक के पीछे बचपन से ही. कि म्यूजिक कहीं पे भी, कि आपको मैं एक छोटे से किस्सा सुनाती हूँ. जी जी बताइए. जब मैं एग्जाम दे रही थी 9th की एग्जाम दे रही थी तभी, और एग्जाम देने टेबल पे बैठी हूँ और मैं लिख रही थी ना, और दूर से कोई गाना ऐसा सुनने गया, और जो गाना सुनने आया तब एग्जाम के पेपर उल्टा करके मैं गाना लिख रही हूँ. गाना लिख रही थी. अच्छा. और पीछे आके टीचर ऐसे खड़े हो गए. खड़े होके बोलते, मेरे टैप किया, बोलते ये क्या कर रही है. ओए होए. तू अभी एग्जाम लिखने के टाइम पे तू गाना लिख रही है. मैं आराम से बोली, एक मिनट, खाली एक मिनट दीजिए, मैं गाना खत्म करके फिर एग्जाम के पेपर लिख रही थी. क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वो गाना, मुझे शाम को मतलब दूसरे शो में गाना था. हाँ. नहीं, मेरे जैसा टीचर होता ना, सबसे पहले तो वहाँ पे फेल लिखता, जीरो देके फॉरेन क्लास से बाहर. तो टीचर ने आपको कुछ बोला नहीं वहाँ पे एग्जाम में, आप ये क्या कर रहे हो? हाँ, बोले नहीं. वो हाँ. खड़े खड़े देख रहे थे मैं गाना लिख रही हूँ. ओए होए होए, ये तो गाने का इतना जुनून. अच्छा, पता क्या अपायल जी, यही वो चीज होती है जो इंसान को जो आगे कहीं लेकर जाती है. जब तक आपके इस
तरह का पागलपन अगर शायद ना होता तो आज आप शायद यहाँ हमारे सामने बैठे नहीं होते, आपके इतने परफॉर्मेंसेस नहीं होते, आपके इतने सारे गाने। कुछ याद है अब तक कितने गाने गा लिए होंगे? गाने तो मैं बहुत गाती हूँ, लाइव शोज मैं ज्यादा करती थी बचपन से ही। मैं जब मैं 13 साल की थी तब मैं पूरे लाइव शो में पूरे क्वीन थी। 13 इयर्स में मैं क्वीन हो गई थी। पूरे लोग मुझे पैसे दे के लेके जाते थे हर एक शो में कि ये गाएंगे। बेबी पायल नाम से मैं एकदम पहचानी जाती थी बचपन डेज में। वो मतलब तो कभी बॉलीवुड में ट्राई नहीं किया? मतलब यानी कि यूजुअली जब इतनी यंग एज में स्टार्ट हुआ। बॉलीवुड में मैं तमिल वर्जन 6-7 मूवीज में गाई हूँ। क्या बात है। हाँ, और काफी रीजनल गाई हूँ मैं। गुजराती में गाई हूँ, भोजपुरी में गाई हूँ, मारवाड़ी में गाई हूँ। भोजपुरी में आती है कोई दो लाइन अभी याद है? मैं अचानक से प्लान नहीं थी ये चीज, मैं ऐसे क्योंकि भोजपुरी मुझे बड़े मजे की लगती है। कैसन बा, ठीक बा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। दो लाइन भोजपुरी में मेरे खुद के गाने हैं। हाँ, गाई गई है एक दो लाइन सिर्फ। होठवा पे बोले कागा सावरिया अब घर आना, टूटे लागल चुरलिया के धागा तू धागा लेके आ जाना। क्या बात है, ये भी हम सेव करते हैं। ये जो सुरीली मधुर आवाज है ना, इसको हम सेकंड सेगमेंट के लिए सेव करेंगे। अभी नहीं गाना, अभी तो हमने ऐसे टीजर लिया आपसे। अच्छा एक बात बताएं, यही आवाज सुना के ही पतिदेव को पटाया था आपने, या वो खुद लट्टू हो गए थे आपकी आवाज सुन के? क्या सीन क्या है? खुद पीछे पड़ गए, खुद पीछे पड़ गए थे। क्यों बेचारे, मर्दों की सारी मर्दों की कहानियां यही होती है बेचारे। और आखिर में क्या मिलता है? नो नहीं नहीं, नो नहीं, नो नहीं। ऑब्वियसली आपने यस बोलने से पहले 25,00,000 दफा नो बोला होगा। मेरे से लिख के ले लो, बोलो मैं गलत हूँ, है ना? सही है बिल्कुल, क्योंकि हमारे हम गुजरे ना। नहीं पहले तो मैं राजी नहीं थी कि शादी करना ही नहीं। ऑफकोर्स, आपको क्या लग रहा है कि मैं अभी तक बैचलर क्यों, मैं कवारा क्यों? शादी करना, आपने तो 25,00,000, जिसको मैं प्यार करता था उसने 50,00,000 दफा ना बोला, मैंने शादी का इरादा छोड़ दिया, मैंने शादी नहीं करनी है। आपकी बात करते हैं। हाँ जी बताइए, तो क्या हुआ था फिर आपके साथ? तो कहाँ थे हम लोग? आप वहाँ थे जहाँ आपने पतिदेव को 25,00,000 दफा मना किया था। हाँ, उन्होंने बोले थे मुझे, मेरे जैसे लड़का तुमको टॉर्च लेके भी घूमोगे ना तो भी नहीं मिलने वाला। टॉर्च क्या, सूरज की मिसाल देते ना, टॉर्च क्या चीज है? टॉर्च के तो सेल खत्म हो जाते हैं। तो बोले टॉर्च लेके घूमोगे ना, बोलते ना वो दिया लेके घूमते हो तो भी नहीं मिलने वाला। मिलते, हाँ। तो ऐसे टाइप का वो उसने डायलॉग मारे थे। मैं बोला नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करना है। हाँ जी। पहले मुझे करियर करना है, क्योंकि मैं आई थी यहाँ पे शो करने के लिए। मैं यूएस में आई थी शो करने के लिए। उसके बाद उन्होंने देखा तो उनको अच्छा लग गया, तो वो कंटिन्यूटी में बात करना स्टार्ट करे मेरे साथ में। और बहुत सारे किस्से है, कहानी है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ट अप हुए हमारे रिलेशन। तब जाके मैं 1.5 साल के बाद में हाँ बोली थी। अच्छा 1.5 साल, तो ये आपका कोर्टशिप 1.5 साल तक चलता रहा, मतलब यानी कि अच्छा। लेकिन ये भी तो होता ना कि अगर आप 1.5 साल तक उनके साथ हैं, उनके मैसेजेस, उनके फोन कॉल्स का जवाब दे रहे हो, व्हिच मींस यू हैव लाइक ऑलरेडी डेवलप्ड द इंटरेस्ट। हां, मैं सोच रही थी कि पता नहीं हर लड़का बातों में माहिर होते हैं, जिंदगी का साथ निभाने वाला है कि नहीं है, वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। नहीं तो आपने क्या, नहीं वो तो ऑफकोर्स मैं मुझे मालूम है पायल जी, आप जो बात बोलेंगे क्योंकि मुझे मेरे टीनेज याद आएगा। ऐसे बोल बच्चन सब करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करना किसी कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना होता है। तो आपने मतलब फाइनली क्या, कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि ही इज अ जेन्युइन गाय? हाँ, वो 1.5 साल के बाद में मैंने उनको बोली कि हाँ ठीक है। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा भी पहले शुरू में राजी नहीं थे कि मैं इतना दूर शादी करूँ। हाँ, बोलते कि हमारे पास में, तभी मेरे मम्मी पापा के पास में पासपोर्ट भी नहीं था। तो बोले कि तू इतना दूर चली जाएगी और तो तुझे तो हम देख ही नहीं पाएंगे, दिल करे तो भी देख नहीं पाएंगे। तो वो भी एक ये था, तो उसमें राजी नहीं हो रहे थे। तो बहुत मुश्किल से मैं मम्मी पापा को समझाई कि नहीं, अच्छा लड़का है, आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। हाँ, तो जो आज तक उन्होंने मतलब मुझे कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि सोचने की। मम्मी पापा तो अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अभी भी वो मुझे बहुत खुश रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। हम तो यही चाहते हैं कि आपकी जोड़ी इसी तरीके से बनी रहे। और हाउ मेनी किड्स यू हैव पायल जी? दो। अच्छा, दो लड़की, यानी कि हम दो हमारे दो। हाँ, हम दो हमारे दो। अच्छा पायल जी, अभी हमारी एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन हम इससे पहले कि हम ब्रेक लें, एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ कर लेते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए, क्योंकि अभी आगे हीट बहुत आने वाली है। तो थोड़ा सा आपको मैं समर दिखा दूं बिफोर वी यू नो एक्चुअली गो इनटू द समर। अच्छा, अभी मैं आपको स्टार्ट स्टॉप बोलूंगा। जब मैं स्टार्ट बोलूं ना, तो आपने अल्फाबेट काउंट्स करना, ए बी सी डी। हाँ, दिल ही दिल में। और मैं जहां स्टॉप बोलूंगा ना,
फिर जहां आप स्टॉप हो गए तो उस अल्फाबेट से आपने 7 नेम्स लेने हैं. ओके, समझ गए? इजी है ना? समझ में आ गया गेम? तो जैसे के अगर आप रुकते हो के पे तो के के आप 7 नेम्स लोगे. अगर डी पे रुकते हो तो डी से 7 नेम्स लोगे. ई पे इतना कॉम्प्लिकेटेड बाबा, कॉम्प्लिकेटेड सिंपल है, जिंदगी आसान है. मैं हूं ना आपके साथ. ओके, रेडी हो? बिल्कुल. ओके, चलो स्टार्ट. स्टॉप. ये क्या मतलब? ये तो खुल्ला खुल्ला चीटिंग. आप ये सोच मतलब मेरे सामने ही कर रहे हो कि हाँ मैं सोच रही हूँ मुझे कौन सा वर्ड लेना. ये गलत है, ऐसा नहीं होता है. हाँ, ईमानदारी से खेलना है. बिल्कुल, जितना गलती करोगे उसी से आदमी सीखता है. दोबारा से स्टार्ट. स्टॉप. के कुमार, कोयल, कालिया. कालिया वो तो अमिताभ बच्चन थे. काली, कालिया को नेम थोड़ी होता है किसी का. वो तो मूवी में था उनका नाम. काली होता है ना? हाँ, काली होता है. वो भी गलत है. काली चरण शत्रुघ्न सिन्हा का था. नहीं, काली चरण नहीं, काली माता भी होते हैं. काली माता. अब मैं क्या बोला, आपने बात इसी कर दी. ओके चले, काली हो गया, कालिया हो गया, और कुमार हो गया, और क्या बोला आपने? कोयल. कोयल हो गया. और कितना, 5 हुए? मैं 5 ही हो गया मेरे ख्याल से. एक बहुत जबरदस्त एक्टर है ना, जिसे कहते हैं 1, 2 का 4, उनके लास्ट नेम क्या है उनका? कपूर. हाँ, केस कपूर. हाँ, खान. खान हो गया. चले कपूर खान. और हाँ, वो तो है ही. अब इंडस्ट्री के इतने सारे हिट लोगों के नाम ले लिया, कुमार भी बोल दें अब आप. हाँ, कुमार भी बोल सकते हैं. चलो राइट. ये गेम मुझे नहीं पता कौन जीता कौन हारा. चलो, जो भी किया मजा आया उसमें. पायल जी, अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं मैम, उसके बाद हम जो है ना आपकी सिंगिंग सुनेंगे. सही? विद योर परमिशन. ऑलराइट, चले गाइस, दिस इज अ टाइम फॉर अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक. हमारे साथ यहाँ पे बड़ी गॉर्जियस और बड़ी ही टैलेंटेड पायल मित्रा जी हैं. इनके साथ मैंने बातें तो कर ली, लेकिन सिंगिंग हम ब्रेक के बाद सुनेंगे. तो कहीं भी मजा, ये देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबीर. Our heart desires many things, but it also has its needs. At Sing Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients, because only a good heart can solve your problems. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey, Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry, I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर. वापस आ गया हूँ, लेकिन अकेला नहीं हूँ. मेरी इस खूबसूरत सी जर्नी में मेरे साथ मेरी खूबसूरत सी पार्टनर और मेरी गेस्ट पायल जी भी हैं. पायल जी, वेलकम बैक. कैसे हैं आप? ठीक हो?
बिल्कुल। अच्छा आपका मैंने देखा है कि आपके वर्ड्स बाद में निकलते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं, सिंगिंग की वजह से तो नहीं हो रहा कहीं? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। अभी मैंने आपसे पूछा, म्यूजिकल बहुत ज्यादा हूँ ना। हाँ, तो एक्सप्रेशन देना तो मस्ट है, बनता है। किसको, माधुरी जी की फैन है आप या क्या है? मैं तो गाने की फैन हूँ। गाने की फैन है। अभी आपने अभी थोड़ी देर गाने से ही आपने कहा था कि मैं 25,000 लोगों के सामने कंफ्यूज नहीं होती, लेकिन कैमरे के सामने कभी कभार हो जाती है। बिल्कुल, ये ऐसा मतलब वही कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो आपको 25,000 लोगों से डर नहीं लगता लेकिन कैमरे से लगता है? कैमरे से लगता है। क्यों ऐसा? मतलब कैमरा है ना, सच बहुत। अरे इतना मासूम सा कैमरा, एक तो नॉन लिविंग थिंग, सामने ऑब्जेक्ट पड़ा, भूल जाओ उसको, इग्नोर करने का। जब मैं स्टेज पे होती हूँ ना, तब मुझे कोई डर नहीं लगता। अच्छा, सही में बोल। अभी मैं आपका डर निकालता हूँ, एक सेकंड रुको। कैमरे की तरफ सामने देखे, कैमरा पायल जी की तरफ पैन करें, जरा हाय बोलो, हाय बोलो, सबको हाय बोलो, हाय बोलो, हाय दिस इज पायल, आई एम पायल, और बोलो मैं शब्बीर के साथ बैठ गया, मस्त शो कर रहा हूं। शब्बीर जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आप तो कभी डरते ही नहीं हो ऐसा लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अनइजी फील होता है। इसीलिए तो होस्टिंग कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? तो आपको क्या सही तो रेडी हो ना, अभी मस्त हो गया, हाय हो गया, सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब गाना गाएंगे हम, बिल्कुल, मतलब आप गाना गाओगे, हम एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेटली देवी सरस्वती माँ लता जी से स्टार्ट करते हैं। आपके बहुत सारे गाने जो है वो हमने सुने थे, सुनाए भी थे, तो हमने कुछ 6 ऐसे हैं जो हमने फाइनलाइज किए हैं। तो लता जी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला कोई सा भी लता जी का गाना जो आप गाना चाहें। पायल जी, माइक इज ऑल योर्स। ओके। पास आए के हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। क्या बात है, ये कहाँ से आवाज निकल रही है? ये पहले आवाज एनर्जी कहाँ थी पायल जी? मैं तो दिल चाह रहा कि मैं सारी जिंदगी बैठ के आपको सुनता रहूं। क्या गला पाया है आपने, मतलब thank you. मैं तो फैन बन गया आपका। ये आवाज आ कहाँ से रही थी? बिल्कुल मेरे गले से। ये पहले कहाँ थी ये पायल? ये पायल कहाँ थी? मतलब पायल मेरे ख्याल से शायद वहाँ थी, अभी ऊपर आ गई ना, पायल पैरों में पहनते ना, अभी गले में आ गई। पायल पैरों में पहनते, बट नाम मेरा पायल। नाम आपका पायल है, बस पायल नहीं कहते पैरों से सर, पता नहीं क्या पैदा, तो वो झांझरिया, झांझरिया, झांझरिया सर से सरक गई चुंदरी। हाँ, पायल से तो बहुत गाने हैं। हाँ, पूरे गाने तो पायल से। अब आपने देखा, ये अब आपने देखा मैं सिंगिंग क्यों नहीं कर सकता, यही वजह है कि मैं ना लिरिक्स याद रख सकता हूँ, ना मुझे एक्सप्रेशन है, ना सुर है मेरे अंदर। क्या बात है, मजा आ गया पायल जी। अभी नेक्स्ट उनकी छोटी बहन आशा जी, तो आशा जी का कोई भी एक गाना हो जाए। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस एक पल है। आगे भी जाने न तू। क्या बात है, थोड़ा सा ही गाए हमें, ये तो बहुत लंबा गाना है। नहीं, आपने थोड़ा सा ही गा के बहुत कुछ कर दिया। वो कहते हैं कि थोड़ा गाओ लेकिन अच्छा गाओ, लेकिन आपने तो मतलब यानी कि ऑलरेडी हम आपके फैन बन गए, अब आपको ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अच्छा गाया जो भी गाया। तो मूवी पता कौन सी है ये? वक्त। अच्छा वक्त, ये मूवी मुझे नहीं पता कौन सी है। मैंने वक्त तो एक और मैंने जो देखी थी, पुरानी वक्त, पुराने वक्त की वक्त मूवी। हाँ। अभी नए वक्त की नहीं है। क्या बात है, ये तो जुगलबंदी चल रही है साथ में। बिल्कुल। अच्छा जी पायल जी, अब आपके 2 गाने हैं, क्योंकि आपके भी बहुत सारे गाने खुद के गाए हुए हैं, तो 2 गाने कोई से भी आप अपनी मर्जी के सुनाइए जो आपके अपने खुद के हैं।
मेरे खुद के गाने अभी लास्ट ईयर दो गाने रिलीज हुआ था तो उसमें से सुना थी लेकिन ये एक गाना गाने का थोड़ा ब्रेक लीजिएगा उसके बाद दूसरा कीजिएगा डायरेक्ट मत कीजिएगा हम आपकी तारीफ करेंगे बिल्कुल 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 सही है तो पायल जी शुरू हो जाइए सांसों की सरगोशी जाने क्या कहती है आंखों में मदहोशी जाने क्यों रहती है इस दिल की बातें तुम अपने दिल से यारा जरा कह दो ना जिस दिन से मैंने देखा है तुमको दिल को हुआ तुमसे ही प्यार दुनिया भुला के सब कुछ मिटा के तुझ में फना हूँ मैं हाँ एक रूप जी करके हैं जो जिन्होंने लिरिक्स लिखे थे और म्यूजिक जयंत आनंद का था ये मैं लास्ट ईयर ये गाने गाए थी ये गाना मेरे यूट्यूब चैनल में है यूट्यूब से सुन सकते हैं अच्छा मैं सिंस यू आर सिंगिंग तो मैं एक क्वेश्चन पूछ ही रहता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मेरे अंदर उबल उबल के बाहर आ रहा है इसके बाद आप ही का दूसरा एक सॉन्ग सुनेंगे ये जो होता है ना कि एक आवाज होती है कभी किसी गाने पे सूट करती है कभी किसी गाने पे कहते हैं कोई पॉप पे सूट करती है कोई क्लासिकल पे सूट करती है कोई इस तरीके से तो ये बात सच है आप अपने आप को ज्यादा कम्फर्टेबल कौन से जॉनर में मानती हैं या कोई सा भी गाना गा लेती हैं आप मैं कौन सा भी गाना गा लेती हूँ बट अभी के न्यू सॉन्ग्स ज़्यादा मतलब प्रेफर इसलिए मैं गाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है मुश्किल लगता है कभी कभार लेकिन पुराने गाने जो मैं अभी शोज में भी गाती हूँ नए गाने भी गाती हूँ ऐसा नहीं है सब टाइप का गाने गा लेती हूँ सब गा लेते हैं मतलब आप समझते हैं कि मैं जो है वो ऑल इन ऑल हूँ हाँ वो तो हूँ मैं स्टेज पे मैं जब भी स्टेज पे चढ़ती हूँ तो काफ़ी ऑडियंस जो होते हैं कभी नए गाने की फरमाइश करते हैं कभी पुराने गाने की फरमाइश करते हैं तो एज यूजुअल गाना ही पड़ता है कुछ हाँ एनी सॉन्ग मतलब बोले तो गाना पड़ता तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी सॉन्ग से पहले आवाज बैठ गई हो या आवाज क्रैक हो गई हो ऐसा कुछ हाँ बहुत दफा हुआ है बहुत दफा हुआ था एक बार एक शो में गई थी मैं तो वो शो में जाने से पहले मुझे पता ही नहीं था वो टिकट शो था बहुत पब्लिक थे तो लेकिन मेरा गला बैठ गया था तो इतना मैं गा ही नहीं पाई मैं लिटरली स्टेज पे चढ़ के जब मैं बात कर रही थी मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा था फिर क्या कुछ नहीं गाई नहीं मतलब यानी कि लोग ऐसे सिचुएशन में लगे ना कि लोग आपका इंतजार कर रहे हैं तो आप अपोलोजाइज करके निकल जाते हो लोग जज भी तो करते हैं ना कि लेकिन क्या हो गया ये बहुत साल पहले हुआ उसके बाद से कभी नहीं हुआ तो गले का खास ध्यान रखना पड़ता है हाँ बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज्यादा मैं ध्यान रखती हूँ मैं तो बहुत सारी चीजें खाती भी नहीं हूँ उसके लिए तो एक सिंगर को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये बात हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी गाने का टाइम है लेकिन पूछ ही लेता हूँ मैं लगे आता हूँ तो क्या खाती हूँ मैं सब कुछ खा लेती हूँ तभी मतलब रात के टाइम पे पिकल नहीं खा सकते पिकल नहीं खाती हूँ दही नहीं खाती हूँ बनाना नहीं खाती हूँ इससे गला खराब हो जाता है थोड़ा गले में डिफिकल्टीज आते हैं कि बनाना खाने से थोड़ा सा गला और ये बात भी सही है पायल जी की सुबह सुबह जो है वो थोड़ा सा नीम गर्म पानी पीना चाहिए हाँ मैं पीती हूँ गर्म पानी पीती हूँ और रियाज भी करती हूँ तो जो रियाज करते हैं ना तो वो गला आपको एक घंटा देना ही पड़ता है क्योंकि जब भी अगर मैं शो में बाहर रहती हूँ तो भी मैं गाने गाती रहती हूँ तो वो ही मेरा रियाज है जो मैं गाती रहती हूँ क्या बात है अगर कुछ सिंगर उसका नाम ही रियाज है तो वो क्या बोलेगा मैं सुबह उठ के रियाज करता है पायल जी ओके आपका नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा है जो आप गाना चाहती हैं ये भी गाना जो है ये भी मैंने लास्ट ईयर कोविड के टाइम से तैयारी कर रही थी तो उसके बाद में ये गाना रिलीज किया यूट्यूब में मेरे जी गाना बहुत ही बेहतरीन बहुत खूबसूरत एकदम रोमांटिक नंबर है क्या बात है मुझे वैसे रोमांटिक गाने बहुत पसंद है मैं हूं नहीं रोमांटिक लेकिन पसंद है मुझे सुनाइए दिल ये मेरा लगता नहीं एक पल भी तेरे बिना सनम तेरे बिना दिल ये मेरा
एक पल भी तेरे बिना सनम तेरे बिना दिल्ली मेरा। बहुत जबरदस्त। अच्छा पायल जी, कहते हैं आपकी फेवरेट सिंगर कौन है, क्योंकि अभी आपके अंदर मुझे दो सिंगर्स नजर आए, दो सिंगर्स की झलक नजर आई आई शुड से। एक श्रिया जी नजर आए, श्रिया घोषाल, और एक लता मंगेशकर। बिल्कुल दोनों ही मेरे फेवरेट है। दोनों ही एकदम सही पकड़ा आपने, तुक्का लग गया। नहीं, क्योंकि आपकी गायकी के अंदर, आपके एक्सप्रेशन में ये दोनों बहुत ज्यादा नजर आती है। बहुत ज्यादा उनकी फैन हूँ। क्या बात है। श्रिया जी तो क्या कहें, वो तो एक्ट्रेस भी बन सकती, इतनी सुंदर है वो तो। अच्छा पायल जी, अब हम आपसे बंगाली गाना गवाएंगे जो आपकी मदर टंग है। मैंने पायल जी से अभी बोला ऑफ कैमरा कि ये है बंगाली लेकिन गुजराती साउंड करती है, इसका कोई रीजन है? मतलब यानी कि आप जब मुंह खोलते हो ना, जब बात करते हो तो आप गुजराती साउंड करते हो, क्यों ऐसा? क्योंकि मेरी शादी गुजराती मतलब फैमिली से हुई है। ए, वो लोग, तो वो इतने सालों में आपने अडॉप्ट कर लिया है गुजराती, तो उन्होंने आपका कुछ बंगाली कुछ वो किया, अडॉप्ट किया या नहीं? कोई नहीं, खाली मैं मेरे फ्रेंड्सों के साथ में ही बात करती हूँ बंगाली में। नहीं नहीं, देखिए मोहब्बत में गिव एंड टेक होता है, मतलब यानी कि अगर आपने उनको जो है वो अडॉप्ट किया है उनका, तो वो आप गिफ्ट करो अपना। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सही है, बिल्कुल, यानी कि जैसा चल रहा है मामला अच्छा चल रहा है। हाँ, मैं गाने के हिसाब से गाती हूँ, क्योंकि मैं गुजराती में बहुत सारे गाने गा चुकी हूँ, और मारवाड़ी में भी गा चुकी हूँ, बंगाली में भी गाती हूँ। हाँ, तो उस हिसाब से सब गाने जुबान बैठ जाता है। ये आसान नहीं है, बहरहाल सुनने में आसान है कि मैं बंगाली मारवाड़ी गुजराती डांडिया भी गाती हूँ ना, तो गुजराती के डांडिया शोज वगैरह मैं करती हूँ, तो उसमें भी मतलब गुजराती गाना पड़ता है, तो उस हिसाब से शायद मेरे जुबान में चढ़ गया। मुझे लगा आपको एक बुक लिखनी पड़ेगी अपने बारे में कि मैं गुजराती में गाती हूँ, बंगाली में, पंजाबी में, इसमें उसमें, पता नहीं इंडिया में तो कितनी सारी लैंग्वेजेस है। चलो, इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन बंगाली गाना हो जाए बिल्कुल, और आपकी जुबान में और आपके स्वर में। पायल जी शुरू हो जाइए। बोलछी तुमार काने काने आमार तुमी, बोलछी आबार गाने गाने आमार तुमी, आज के आमार प्राण पीछे अनेक नूतन भाषा, अनेक दिनेर स्वप्न जे, अनेक दिनेर आशा। बोलछि तोमार काने काने आमार तुमि, आमार तुमि। पायल जी, अब हमारा लास्ट ट्रैक ऑफ दिस सेगमेंट वो है हमारा फरमाइशी सॉन्ग जो हमने जो है वो लिखा था, जो है वो मैं भी लाइनें भूल गया, क्या बोल रहा था मैं। हाँ, आपने इतनी बड़ी बात कर दी ना हमारे सामने, तो हम खुद ब्लश कर रहे हैं अभी। ये मैंने सोचा हुआ था कि मैं करूंगा, पंच बिल्कुल सही बैठा, क्या बात है, कभी कभी यौकड़ लग जाती है। अच्छा, जरा सी दिल में दे जगह तू, गाएंगे आप हमारे लिए पायल जी? बिल्कुल गाऊंगी। चले पायल जी, माइक इज ऑल योर्स, प्लीज गाइए। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको मेरी जाबे बना, हो 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 हो। जबरदस्त जबरदस्त। मैं पायल जी आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि दूसरों का काम लोगों को आसान लगता है और अपना काम मुश्किल लगता है। ये मेरी सॉन्ग है।
एग्जैक्टली मैं आपसे यही एक बात करने लगा हूँ कि देखिए ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि दूसरों का काम आसान है, क्योंकि आपने आज मेरी राय बदल दी। सिंगिंग हर एक के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। तो मैं तो कम से कम आज इस बात को फर्म बिलीवर बन गया हूँ कि दूसरों का, लोग कहते हैं ना कि दूसरों का काम बड़ा आसान होता है, अपना काम मुश्किल है। पायल जी को देखिए, गाना कितना मुश्किल है, एक एक नोट, एक एक एक्सप्रेशन क्या टिका के आपने लगाया है। और वो जो था ना पंच लाइन, वो क्या था बंगाली का, आमी तुम्हारे के भालो बाशी, वो तो चेरी ऑन द टॉप। पायल जी थैंक यू सो मच, यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा जी, अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। इसके बाद हमारे पास कुछ फन मस्तियां हैं और वो हम करेंगे आपके साथ। रेडी, एक ब्रेक ले लें। चलें जी, हमारे साथ यहाँ पे व्यूअर्स पायल जी हैं, इनके साथ हमने मजे मजे की बातें भी की और इनकी खूबसूरत गायकी भी सुनी। अब हम कुछ और शरारतें करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद, तो देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबी। Our heart desires many things, but it also has its needs. At Sing Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients, because only a good heart can solve your problems. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey, Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry, I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइज, शबीर वापस आ गया हूँ। मेरे साथ यहाँ पे गॉर्जियस और टैलेंटेड पायल जी भी हैं। पायल वेलकम बैक, कैसे हैं आप? बिल्कुल मजा आ रहा है शो में? बिल्कुल, आपके साथ में तो बहुत बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अरे थैंक यू सो मच पायल जी, हमें भी बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातें करके और आपकी गायकी सुन के। तो आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आपको हमारा ऑफिशियल सिंगर बना ही लें। ओके, कब कभी भी हमें गाने की जरूरत, गाने किसी गाने गाने वाले की जरूरत होगी ना, हम बोलेंगे कि पायल जी आप आइए और हमारे लिए आप गाना गाइए। क्या बात है पायल जी। अभी हमारे पास कुछ शरारतें हैं आपके लिए, ऐसा ऐसा करके हम उसको हीट अप करेंगे। okay. लेकिन स्टार्ट करते हैं स्लो से। okay. एक बॉलीवुड क्विज है आपका, चूंकि बॉलीवुड इतना गाते हो, गाने वाने गाते हो, तो मैंने बोला सर आपको मूवीज का भी शौक होगा, तो अब बॉलीवुड क्विज है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आपको उसके आंसर देना है। रेडी हो आप उसके लिए? बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, आपने मूवी देखी कुछ कुछ होता है? हाँ देखी। कुछ कुछ होता है कि स्टार कास्ट क्या है पता है? मतलब ये क्वेश्चन नहीं मैं पूछ रहा हूँ, पता है ना शाहरुख खान है उसमें, शाहरुख खान है, काजोल है, रानी मुखर्जी है, रानी मुखर्जी है ना। हाँ। अच्छा इस मूवी में रानी मुखर्जी का नाम क्या था, कैरेक्टर नेम क्या था? रानी मुखर्जी थी ना इसमें। हाँ हाँ, उनका ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि कुछ कुछ होता तो ब्लॉकबस्टर है ही। हाँ बट नाम मुझे बहुत कम याद रहता है। अच्छा देखिए मैं आपको हेल्प करता हूँ, शाहरुख खान का नाम होता है राहुल, राहुल ताकि आप रिकॉल करो तो आपको याद आ जाएगा। काजोल का नाम होता है अंजलि, अंजलि राइट। और रानी मुखर्जी का क्या नाम होता है, बहुत ही फैशनेबल होता है उस 90s की मूवीज का, बड़ा फैशनेबल इन नाम था कॉलेज की,
कॉलेज की लड़की, टी से स्टार्ट होता है, टीना जी टीना अब एक ही चीज रह गई थी कि अब आप टी से भी नहीं पहचानते तो मैंने आंसर बता ही देना था टीना यस ऑलराइट अच्छा ये बताएं राज आर्यन शाहरुख खान का कौन सी मूवी में नाम था मोहब्बतें जी देखिए यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इसके तीन डायलॉग्स याद है आपको जो अमिताभ बच्चन कहता है वो कौन से तीन स्तंभ होते हैं गुरुकुल के नहीं मुझे ये उतना याद नहीं वो अक्सर वो उसको ब्रैक करते रहता है ना बड़ी सी हाइट लेके एकदम पर्सनालिटी लेके मतलब वो गुरुकुल में घूमते रहते हैं जो जो कर रहा होता है उनको सब नजर आ रहा होता है वो क्या बोलता है हमारे गुरुकुल के तीन पिलर्स कौन से हैं जो अक्सर वो स्टूडेंट्स को बोलता है कुछ याद नहीं मुझे परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन ओके ये हमारे गुरुकुल के तीन स्तंभ तीन स्तंभ है अच्छा वो आप बोले बोल के मुझे याद आया नहीं तो नहीं याद आती है बच्चन जी का डायलॉग हमारी इतनी वो टैलेंट नहीं कि हम उनकी तरह बोल सके भाई अच्छा जी क्राइम मास्टर गोगो ये कैरेक्टर एक बहुत ही फेमस मूवी में था उस मूवी का नाम क्या है उसका डायलॉग यूं था ना क्राइम मास्टर गो गो आंखें निकाल के गोटिया खेलता हूं गोटिया आंखें निकाल के हाँ। शक्ति कपूर बोलता है लेकिन इस मूवी का नाम क्या है बहुत फेमस मूवी है इसकी स्टारकास्ट मैं आपको बताऊं मुझे कुछ ही याद नहीं रहता है नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूं ना अभी आपने ये कुछ कुछ होता है मैं भी ऐसा ही किया था हाँ। आपको मैंने बोला आपको याद आ गया इसमें आमिर खान थे सलमान खान थे रवीना टंडन थी और ये फुल ऑन कॉमेडी थी अंदाज अपना अपना जी अंदाज अपना अपना एक होता है क्लोज बुक एग्जाम एक होता है ओपन बुक एग्जाम और एक होता है एग्जाम जो अभी हम अब कर रहे हैं अब ये करेगी कि मैं आपके आंसर शीट पे लाके आंसर लिख कर दे दूं आपको ये कभी मैंने आज तक कभी भी इतना लीलियंट क्विज कभी किसी गेस्ट के साथ नहीं किया चले आपका असर है पायल जी आपकी पर्सनैलिटी है चले कोई बात नहीं अच्छा एक बात बताएं विवेक ओबेरॉय का ये हमारे शो में भी आ चुके ना विवेक ओबेरॉय तो अच्छा। उनका एक क्वेश्चन करना बनता है विवेक ओबेरॉय का एक मूवी थी उनकी शूट आउट एट लोखंड वाला देखिए आपने विवेक ओबेरॉय की उसमें विवेक ओबेरॉय का क्या नाम था अरे इतना टफ क्वेश्चन क्यों पूछते हैं अब हर चीज तो हलवानी होती ना वही सोचती हूँ फिल्म देखती हूँ वो देख के मैं निकल जाती हूँ मुझे अभी आपने सारे के सारे बॉलर पे सिक्सर ही मारे हैं ठीक है मेरा इनपुट रहा है उसमें 99% मैंने आपकी हेल्प की मैं आप ही जवाब दिया मैं तो जवाब दे ही नहीं हाँ तो जो है विवेक ओबेरॉय उसके अंदर भाई का रोल करते हैं डॉन का हाँ, विवेक ओबेरॉय जब हमारे शो में आए थे ना तब उन्होंने इस मूवी की एक्टिंग करके हमें दिखाई थी अच्छा हाँ तो क्या नाम होता है उनका एम से स्टार्ट होता है अंडरवर्ल्ड डॉन बनते हैं वो मुझे याद नहीं है मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कोशिश तो कीजिए मतलब डायरेक्ट गिवन मुझे याद नहीं मुझे याद नहीं मुझे याद नहीं वो जैसे पुलिस वालों के सामने नहीं मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया वो नहीं मैं फिल्म देखी मुझे इतना मतलब नाम याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए एम से स्टार्ट होता है माया भाई नहीं, क्या हो गया पायल जी ओके ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों पूछते हैं म्यूजिक के बारे में पूछ लीजिए मैं बहुत बोल देती हूँ ये म्यूजिक भी इन्हीं एक्टर्स के ऊपर पिक्चराइज होती है ना हाँ, अब तो देखें लास्ट क्वेश्चन बॉलीवुड क्विज का भाग्यश्री जी का मैंने प्यार किया मैं क्या नाम था अभी भाग्यश्री भी आए थे हमारे शो में लास्ट वीक अच्छा हाँ लास्ट वीक तो नहीं थोड़ा टाइम हो गया मैं भूल गया उनका भी परसोना का असर है ना तो भाग्यश्री जी हमारे शो में आए थे तो उनकी एक बहुत फेमस मूवी है मैंने प्यार किया देखी हूँ हाँ, देखी तो हूँ बट उनका उस मूवी में क्या नाम था कैरेक्टर नेम जिस तरह रानी मुखर्जी का टीना था ना कुछ कुछ होता है मैं हाँ अच्छा मैं आपको हिंट दूं दोबारा से सलमान खान का नाम होता है प्रेम हाँ भाग्यश्री का क्या नाम होता है भाग्यश्री का नाम तो एस से स्टार्ट होता है सुमन जी सुमन राइट हो गया सुमन देखिए मजाक मजाक में फाइव में से आपने जब बोले ऐसे तब मुझे याद आया हाँ सुमन थी कुछ बिल्कुल 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 ऐसा एग्जाम अगर हो जाए ना दुनिया में कोई एग्जाम में फेल ही ना हो आप रहेंगे तो हम तो फेल हो ही नहीं सही बात है इसीलिए मैंने टीचिंग की जॉब ही नहीं की क्योंकि टीचर ये करूं अगर मैं बनता ना तो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ मजाक हो जाता वो चले कोई बात नहीं हो गया बॉलीवुड फिल्म आपने फोर आंसर जो है उसको करेक्ट आंसर दिया आंसर का करेक्ट आंसर दिया और ये गलत हो गया आपका अभी लास्ट जो है ना इसके अंदर हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते And then you're gonna be on the hot seat. Heat is gonna be full on. तो हम इसको कहते हैं rapid poll खोल. ये हमारी last activity है. इसके अंदर मैं आपसे questions करूँगा rapid rapid and then you have to answer rapid rapid. Which means you don't have a time to think. Ready है पायल जी? बिल्कुल. हाँ आज आपके सारे राज खुलवाएंगे हम. Okay. Question number one. Ready?
Which set of words best describe you? अभी मैं आपके सामने कुछ words लूँगा, इसमें से आप कौन से words हैं, set of words जो आपको best describe करते हैं? Shy, innocent, calm, secretive, या फिर bubbly, funny, confident, down to earth? Confident. तो आप bubbly हैं, funny हैं, confident हैं, down to earth हैं? Yeah. तो आप shy नहीं हैं, आप innocent नहीं हैं, आप calm नहीं और आप secretive नहीं हैं। यानी कि आप किसी का राज नहीं रख सकते दिल में, आपको गुस्सा भी जल्दी आता है, आप इनोसेंट नहीं है, अब इसका अपोजिट क्या होता है मैं नहीं बोलना चाहता, और आप शाय नहीं, मींस आप बहुत बोल्ड हैं, बिंदास हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। सही है। चलो भाई, जिसको जो सुनना है वो सुन लो भाई, देख ऐसे ही हूं मैं। ऐसे ही हूं मैं। ओके, थ्री थिंग्स दैट यू वांट टू चेंज इन योरसेल्फ। थ्री थिंग्स यू वांट टू चेंज इन योरसेल्फ, कौन सी तीन चीजें हैं? एक तो गुस्सा। गुस्सा जल्दी आता है आपको? बहुत जल्दी आता है वो चेंज करके। वैसे मैंने भी सुना है कि लोग जो ज्यादा हंसते हैं ना, उनको जब गुस्सा आता है ना तो बहुत खतरनाक गुस्सा, खतरनाक हो जाते हैं। हाँ, आपकी आंखें भी वैसी हैं, मतलब यानी कि डरा देती हैं सामने वाले को। क्या बात कर रहे हो, सब लोग तो तारीफ करते हैं मेरी आंखों, मतलब आप नहीं नहीं तारीफ सुनाइए कि मतलब एक होता है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी मतलब वो वाली उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ मैं। आंखें तो आपकी बड़ी सुंदर है, खूबसूरत आंखें आपकी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि मतलब आपका एक है फिल्टर है आंखों में, ये कि मतलब ध्यान से चूज योर वर्ड केयरफुली व्हेन यू टॉक टू मी, वो वाला फिल्टर है वो वाली। ऑलराइट, चलो गुस्सा हो गया, सेकंड क्या है? सेकंड थिंग मैं चाहती हूँ कि हमेशा मतलब कोई भी काम जो करो तो कभी कभार क्या होता है, जैसे कि आज यहाँ पे आई हूँ और आने के बाद में मैं थोड़ा घबरा रही हूँ। जी जी जी। है ये पता नहीं किस लिए हो रही है मुझे, शायद कैमरा कॉन्शियस हूँ इसलिए हो रही है, तो ये चीजें कभी कभी मैं मुझे लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए। कैमरे से घबराहट हो रही है, मुझसे तो नहीं हो रही? नहीं, आपसे नहीं। अरे आपसे क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, तीसरी चीज कौन सी है जो आप चेंज करना चाहती हैं अपने अंदर? मैं कभी कभी भूल जाती हूँ सब चीजें, मतलब कभी कभी भूल जाती हूँ। हाँ, कभी कभी क्या होता है जैसे कि कभी स्टेज पे भी जाती हूँ तो मुझे गाना होता है एक चीज, लेकिन गाने का स्टार्टिंग लाइन भूल जाती हूँ तो वो मुझे थोड़ा सा ये करने पड़ते हैं थोड़ा सा, तो कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी होता है। तो ये मैं खुद से ही चेंज करना चाहूँगी कि नहीं नहीं करना है मुझे, मुझे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जब ये प्रोफेशनली काम करने जाती हूँ तो मुझे भूलना नहीं है, मुझे सारे वर्ड्स दिमाग में रखना होता है, तो नहीं होता है बट होना चाहिए। क्या बात है, कभी कहीं कभी पतिदेव को कहीं रख के भूल गई आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि नहीं, जैसे कहीं आप इवेंट में कहीं जा रही हो, उनको आप, उन्होंने आपको बोला हो कि जी वापसी में मुझे पिक कर लेना, तो ऐसा हुआ कभी उनको कहीं रख के भूल गई हो? आपके पति कहाँ रखे रहेंगे? नहीं होता है। तो एक चीज ऐसा होता है, वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना है, तो मुझे इतने बजे उठा देना, तो मैं वो भूल जाती हूँ। अच्छा, नहीं, और उनको ये बात पता है कि आप भूल जाती हैं, फिर भी आप ही को कहते हैं उठाने के लिए? हाँ, हमेशा में प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा ही होता है, और हमेशा ही मैं भूल जाती हूँ। हाँ। और टाइम पे कभी नहीं उठाती हूँ। तो कभी हुआ है आपकी वजह से उनकी कोई मीटिंग मिस हो गई हो? हाँ, बहुत दफा हुआ है, बहुत दफा हुआ, बहुत दफा हुआ। खमियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ता है। नहीं, उठने के बाद में तुमको एक काम बोलता हूँ, तुम फिर भी तुम ठीक से करते नहीं, मैं क्या करूं, भूल गई मैं। भूल जाते हैं। अच्छा, नहीं, अपने काम तो याद रहते होंगे, कभी अपना पासवर्ड आप भूले हो? बोलो नहीं। नहीं। पिन भूले कभी? नहीं, 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 नहीं। बैंक पैसा किस बैंक में पड़ा कभी भूले हो? नहीं, नहीं। क्यों नहीं, पासवर्ड बहुत दफा लोग भूल जाते हैं, मैं अक्सर अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ, बाद में फिर रिकवरी ईमेल पे आ रहा होता है पासवर्ड, क्या फॉरगॉट माय पासवर्ड, कितनी दफा मेरे साथ हुआ है। तो आपके साथ नहीं हुआ कभी? हाँ, कभी कभी हुआ। हाँ, मेरे साथ में भी हुआ है एक दो बार। अच्छा, पहले पहले शुरू शुरू। चल, ऑलराइट। कोई ऐसी टैग लाइन जो आप बार बार यूज करते हो, आपकी टैग लाइन जैसा होता है ना, मेरे बारे में भी लोग कहते हैं कि मैं एक बहुत बोलता हूँ, ठीक है ठीक है, आपका कोई ऐसा सेंटेंस को टैग लाइन, तकिया कलाम जिसको हम कहते हैं, हैशटैग? हाँ, मैं समझे समझे हाँ, समझे हाँ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ किसी को भी कोई बात समझे। अच्छा, ये पता कभी कभी थोड़ा सा ये किसी को ऑफेंसिव भी हो जाता है कभी कभी, आप हाँ। आपको क्या मतलब, हम डफर है, हमें समझ में नहीं आता? नहीं नहीं, मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते अभी तक नहीं समझे, वापस समझा हमको। हमारे एक नेबर थे, वो उनकी भी कुछ इसी तरह की आदत थी, लेकिन वो समझे नहीं कहते थे, वो यूं कहते थे, स्पीड से बात करते थे ना मेरी तरह, तो कहते थे बात करने के बाद, और संजय ठीक है, नहीं नहीं संजय संजय, जोक आया हो गया, पायल जी समझे ही नहीं। ऑलराइट, सो योर लास्ट मिनट एक्सक्यूज इफ यू डोंट वांट टू गो समवेयर, आपने किसी से कमिट कर लिया, फिर आखिर में आपने बोला नो दिस इज अ बैड आइडिया, आप लास्ट मिनट आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो, कौन सा एक्सक्यूज होगा जो दोगे कि नहीं यार मैं नहीं जाना चाह रही हूँ वहाँ पे, सॉरी? टाइम नहीं है। हाँ,
टाइम नहीं होगा, टाइम तो दे दिया था, ये तो रूड हो जाएगा, टाइम तो ऑलरेडी दे दिया था, इसके अलावा कुछ बताओ, सच बोलो, सच पायल जी, ये दिस इज अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ, टाइम नहीं है, टाइम तो आपने दे दिया था उनको, लेकिन बहाना ढूंढना है ना, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, पति से झगड़ा हो गया है तो मेरा मूड ऑफ हो गया है, गाड़ी में गैस खत्म हो गई, गाड़ी खराब हो गई, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं, अगर कभी ऐसा हुआ तो कौन सा एक्सक्यूज होगा? लेट हो गए, अच्छा लेट हो गए, ट्रैफिक में फंस गए, ओए होए, ये भी हो सकता है, हाँ हाँ, कहीं अगर नहीं पहुंचना हो हाँ, तो बोल सकते बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक में, बस मैं ट्रैफिक में हूं, जैसे ट्रैफिक निकलती मैं आती हूं, ये गलत एग्जिट ले लिया मैंने, बस मैं आ रही हूं वापस, जिस राह आज हुआ था नहीं ये बात सही है, बिल्कुल गलत एग्जिट वाली बात जो है वो पायल जी ने हमें कॉल किया, सॉरी शबीर जी मैंने गलत एग्जिट ले लिया है, मैंने बोला भाई खैरियत तो आगे निकल गई, आगे निकल गया था, चलो कोई बात नहीं, क्यूट एंड रोमांटिक और स्मार्ट और गुड लुकिंग, इनमें से आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, क्यूट एंड रोमांटिक या फिर स्मार्ट एंड गुड लुकिंग? नहीं, क्यूट एंड रोमांटिक, क्यूट एंड रोमांटिक, तो आपके पति देव भी क्यूट है रोमांटिक भी है, वो शायरी करता है आपको देख के, इतनी सुंदर बीवी हो जो इतना अच्छा गाती भी हो तो शायरी वारी करता है आपको देख के? नहीं कुछ नहीं करता, अच्छा कुछ नहीं करता, नहीं शायरी नहीं, वो हमेशा बिजी रहते हैं, अच्छा बिजी रहते हैं, हाँ, अपने काम में बिजी रहते हैं, अच्छा अपने काम में बिजी रहते हैं, डेफिनेटली ये भी आप उन्हीं का काम है, मतलब ऑब्वियसली तो आपको देख के तो कभी फूल लाए कभी कुछ, हाँ वो तो लाते हैं, अच्छा हमेशा हमेशा, हाँ सही है, चलो, लव इज ब्लाइंड, एग्री और डिसएग्री? बिल्कुल, क्या बिल्कुल, हमारे शो को रैप अप करें, हमारी एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है हमारी, जिस तरीके से गुरुकुल में अमिताभ बच्चन की होती है, LNV के अंदर हमारी परंपरा कि हम हमारे गेस्ट से मैसेज लेते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, तो पहले तो आप ये वाला साइन बनाओ, ये हमारे लेट नाइट वाइब्स का साइन है, कैसा फर्स्ट क्लास है ना, है ना, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ये इसी साइन को अपने साथ रखकर इस कैमरे में देख के आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज दोगे? पायल जी, माइक इज ऑल योर्स, कोई भी काम करे दिल से करे, और जो भी करना एक ठान ले कि मुझे एक फोकस करने हैं कि मुझे ये यहाँ तक पहुँचना है, तो वो बड़े मतलब शिद्दत के साथ में करे, जो भी काम करना है दिल से करे, तो आगे मुश्किल कभी भी रास्ता मुश्किल नहीं होगा, आसानी होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज, इस आपकी इस बात को शाहरुख खान ने भी इंडोर्स किया, वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है, तो बहुत सही बात आपने की, चले इसी सही बात के साथ अब शो को खत्म करते हैं, ठीक है पायल जी, थैंक यू सो मच, इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू एज अ गेस्ट इन लेट नाइट वाइब्स टुडे, थैंक यू सो मच पायल जी, चले ऑलराइट गाइस, दिस इज द टाइम टू रैप अप द शो, आज आपने देखा हमारे साथ वेरी टैलेंटेड और ब्यूटीफुल पायल जी थी, इनके साथ हमने मजे मजे की बातें भी की और इनके सिंगिंग का भी हमने जो है ना वो लुत्फ लिया, तो इस प्रॉमिस के साथ मैं यहां से जा रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और फन पर्सनालिटी लेके आऊंगा, सो टिल देन कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।